हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रतीक हियर। एंड जो सीरीज चल रही है अभी लद्दाख और K2 के प्रिपरेशंस, मैं जितनी ज्यादा डिटेल्स इस ट्रिप की प्लानिंग की आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ वो मैं ट्राई कर रहा हूँ। मैं जो भी शॉपिंग कर रहा हूँ, जो भी राइडिंग गियर ले रहा हूँ, जो भी लगेज बैग्स ले रहा हूँ, वो सब कुछ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि आपको अगर एक लॉन्ग ट्रिप प्लान करनी है 15-20 दिन की, 25 दिन की, महीने भर की, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं वो सब कुछ आप आराम से इस पूरी वीडियो सीरीज में देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात करूंगा, जो कि हम लोग बहुत बार समर राइड्स में प्रॉब्लम होती है और बहुत बार हम लोग इग्नोर कर देते हैं लॉन्ग राइड्स पे, विच इज हाइड्रेशन। होता क्या है कि आप बॉटल कैरी करते हो, पर आप 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर चला रहे हो लगातार, जिसमें 2 घंटे लग गए, कभी 2.5 घंटे लग गए, पर आप पानी पीने के लिए नहीं रुकते हो, और ये काफी ज्यादा इग्नोर हो जाता है। इसलिए मेरे को अपनी लद्दाख और K2 के राइड के लिए एक हाइड्रेशन बैग लेना ही लेना था, क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए कि मैं लॉन्ग राइड्स पर जा रहा हूं तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो, बिकॉज आई विल बी राइडिंग फॉर ऑलमोस्ट 600-700 किलोमीटर्स पर डे K2 के में जब हम लोग राइड करेंगे, और उस राइड में पूरी इतने ज्यादा ब्रेक्स भी नहीं लेने होंगे कि हम आराम से रुक रहे हैं और कोल्ड ड्रिंक पी ली और पानी पी लिया। तो इसलिए मेरे को एक हाइड्रेशन बैग लेना ही लेना था। तो ये ट्रैक एंड राइड का हाइड्रेशन बैग है, मेरे को 2-3 लीटर्स का हाइड्रेशन बैग चाहिए था। अगेन, हाइड्रेशन बैग में भी दो ऑप्शंस आते हैं, एक आता है जिसमें थोड़ी सी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, दूसरा आता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रा पैक होता है। दिस इज वन वेरी यूजफुल प्रोडक्ट, अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हो उस टाइम पर भी आप यहां से इसको टांग लो और इससे वाटर सिप करो, आप साइकिलिंग करते हो तो उसमें भी, और बाइक पर लॉन्ग राइड्स करते हो तो उसमें भी। मल्टीपर्पज बैग है, इसलिए मेरे को बहुत टाइम से मन था और इसलिए मैंने इसको अभी इस ट्रिप के पहले पिक कर ही लिया। तो ये जो मैंने बोला कि दो तरह के बैग आते हैं, ये स्टोरेज कैपेसिटी वाला बैग है, इसमें यहां पर पॉकेट्स हैं, एक ये पॉकेट है, यूटिलिटी पॉकेट्स हैं 3-4, ये सारी पॉकेट्स हैं। इसमें आप अपना छोटा मोटा सामान कैरी कर सकते हो, जैसे अब मैं लद्दाख जा रहा हूं और K2 को जा रहा हूं तो कुछ मेडिसिन, एक डायमोक्स की टेबलेट इसमें डाल दी, इलेक्ट्रॉल, क्योंकि मैं दो ब्लैडर्स लेके जाऊंगा, एक अभी दिखाता हूं उसमें क्या चीज है, कुछ इलेक्ट्रॉल के पैकेट, टूथब्रश की किट, एक सीजर्स या नाइफ, कुछ भी अगर आपको कैरी करना है, वेट टिश्यूज, मतलब आई एम जस्ट शोइंग कि आप इसमें कुछ यूटिलिटी प्रोडक्ट्स अपने आराम से कैरी कर सकते हो, जो कि छोटे मोटे ट्रैक पे आप जा रहे हो या अगेन छोटे मोटे साइकिलिंग एक्सपेडिशन पे या बाइकिंग एक्सपेडिशन पे जा रहे हो तो काफी यूजफुल होगा। उसके अलावा ये है मेन पॉकेट, मेन पॉकेट में भी अगेन काफी स्पेस है, यहाँ पे आप आराम से कुछ छोटा मोटा सामान या डॉक्यूमेंट्स वगैरह, अपने पावर बैंक वगैरह या मोबाइल कैरी कर सकते हो। ये आता है ब्लैडर, तो ये ब्लैडर है जिसमें पानी भर लें हम लोग या ORS फिल कर लें, ORS के पाउचेस जो आपको दिखा रहा था वो इसलिए दिखा रहा था क्योंकि मोस्टली मैं दो ब्लैडर लेके जाऊंगा, एक में ORS रहेगा और एक में पानी रहेगा, सो दैट आई डोंट फेस एनी डिहाइड्रेशन इश्यूज। ये ब्लैडर 2 लीटर्स का, इसमें जितना भी आपको पानी भरना है पानी भर लो, और अगर समर राइड्स कर रहे हो तो एक आइस पैक भी डाल लो इसके साथ में, या फिर इसमें ही आइस भर लो तो भी बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। तो ये यहां से खुल जाएगा एंड ये हटा दो, इसमें आप मस्त पानी भर लो। तो अभी इसमें थोड़ा सा पानी भर के भी देखते हैं कि कितना मोटा हो जाएगा बैग पानी भरने के बाद। तो अभी मैंने इसमें ये 1 लीटर पानी भरा है, ये पानी भर के इसको टाइट कर दिया। हाँ, ये चेक कर रहा था मैं कि कहीं से लूज तो नहीं रह गया है, ये पता लगा आपने कुछ और सामान उसमें रखा हुआ है और कहीं से पानी लीक हो रहा है तो वो गड़बड़ होगा। तो ये हो गया एंड अभी इसको बैग के अंदर डाल दिया एंड ये जो लूप है इसमें वेलक्रो लगा के वापस टाइट कर दो। तो बस अब पानी भर गया इसमें, ये यहां पर दो लूप्स दिए हुए हैं, अगेन एक लूप ये रहा, एक लूप ये रहा, बाइक चलाते टाइम इसको मैं जैसे बोल रहा था कि एक और ब्लैडर लूंगा तो एक ब्लैडर और आ जाएगा तो उसका पाइप यहां से आ जाएगा, ये यहां पे आपका पाइप होल्ड हो जाएगा। अभी मैंने इसको खोला नहीं है, ऐसे
तो ये यहां पर आपका फिक्स रहेगा, इसको खोलो, यहां से घुमाओ और पानी पियो और रहो हाइड्रेटेड। तो वन वेरी यूजफुल प्रोडक्ट जो होना ही होना चाहिए लॉन्ग राइड्स पे, या थोड़ा बहुत ट्रैकिंग करते हो या साइकिलिंग करते हो। तो अभी मैंने इसमें 1 लीटर पानी भरा हुआ था, आराम से जैकेट के ऊपर टंगा रहेगा ये मेरे पूरे टाइम। और कभी भी पानी पीना है तो अभी हेलमेट तो उतारना ही पड़ेगा, हेलमेट उतार के ये कैप हटा के आराम से पानी पियो। सो स्टे हाइड्रेटेड ऑलवेज ऑन योर लॉन्ग राइड। तो ये बैग मैंने लिया है 1799 रुपीज का, अमेजोन का लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हो। वर्थ है 1799 में, काफी ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट है। एंड मोस्टली बाय द टाइम यू विल बी सीइंग दिस वीडियो, मैं या फिर लेह में हूंगा, लद्दाख में हूंगा, और या फिर शायद K2 के राइड कर रहा हूंगा। तो राइड की लाइव अपडेट्स के लिए प्लीज डू कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, हैंडल यहां पर आ रहा है नाम, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स पड़े हुए हैं, प्लीज गो चेक देम। इफ यू फाउंड द वीडियो यूजफुल एंड इफ यू फाउंड द प्रोडक्ट यूजफुल, देन प्लीज डू लाइक, और कॉमेंट्स में जरूर बताना कि कैसा लगा वीडियो, शेयर करना, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा इग्नोर हो जाती है। जैसे मैं पहले बोल रहा था, हाइड्रेशन पे हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद मोर एंड मोर पीपल, काफी लोगों को हेल्प होगी इस वीडियो से। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, विश मी लक फॉर लद्दाख एंड K2 के एक्सपेडिशन। डू कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, बाय बाय, लव यू ऑल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन।